वॉयस ऑफ खान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युज़लिलहु फला हादिया लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، جو یقیناً بڑا ہی قیمتی تحفہ اس نے ہمیں بن مانگے بے محنت اور مشقت کی عطا فرمایا ہے. اور جن واسطوں سے عطا فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ نبی بھی سارے انبیاء کا سردار ہے اور اللہ تعالی کی نگاہ میں بھی سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے. تو میرے محترم بزرگوں، حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالی نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا جو مذہب میں نے پسند فرمایا ہے، تمہارے لیے جس دین کا انتخاب میں نے کیا ہے، وہ دین دین اسلام ہے. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مذہب اگر پسندیدہ ہے، کوئی دین اگر پسندیدہ ہے، تو وہ اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرو گے، اسلام کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کسی اور قوم کے طریقہ زندگی کو اختیار کرو گے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، چاہے لاکھ قربانیاں دے ڈالو اس دین کے پیچھے، چاہے لاکھ حادثات کا مقابلہ کرو اس دین پر چلنے کی خاطر، تمہاری ایک محنت بھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگی. نہ وہ دین جسے تم جس پر تم مر مٹے، وہ دین اس کے یہاں قبول ہوگا. اور پھر یہی نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ
और नुकसान उठाने वाला होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम की जो दौलत दी है, इस दौलत को हमें समझने की जरूरत है, इस दौलत की और इस दौलत जो कीमती नेमत हमें मिली है इसका पास और लिहाज रखने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने देखो हमें इंसान बनाया तो साथ ही साथ मुसलमान बनाया, दूसरे लफ्ज में ये कह लो कि इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक जिस्म का और एक रूह का। जिस्म की परवरिश की भी मेहनत की जरूरत है, रूह की परवरिश की भी मेहनत की जरूरत है। इसी तरह हम इंसान हैं तो इंसान के तकाजे भी पूरे करने की जरूरत है, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान के तकाजे को भी पूरा करने की जरूरत है। अब अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म ही की परवरिश की खातिर सारा वक्त लगाए, अपने जिस्म ही की परवरिश की खातिर सारी कुर्बानियां दे, अपने जिस्म ही की परवरिश की खातिर अपने आप को मिटा डाले, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों बस ये समझा जाएगा कि गोया वो इंसान सिर्फ अपने अंदर गंदगी और पाखाना पैदा करने की मशीन है कि सुबह से शाम तक अपने जिस्म की परवरिश के असबाब मुहैया करने की मेहनत करता है और उसे इस्तेमाल करता है और फिर पाखाने की शक्ल में उसे निकाल देता है, इसलिए कि उसकी जिंदगी में तीसरी चीज कोई नजर नहीं आती। अब हम जरा अपने माशरे और अपने पास पड़ोस के और खुद अपने रहने घर में रहने वाले अफराद की जिंदगी पर नजर दौड़ाए। हमारी सुबह किसी की 9 बजे, किसी की 10 बजे, किसी की 11 बजे होती है। बंदा उठता है, नहा धोकर अंग्रेजों का लिबास अपने जिस्म पर सजाता है और साफ सुथरा बनने के लिए अपने चेहरे से दाढ़ियां साफ करता है और फिर नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए निकल जाता है। नौकरी के वक्त, मुलाजमत के वक्त उसकी जोहर की नमाज गई, असर की नमाज गई, मगरिब की नमाज गई, बंदा ईशा के वक्त अपने घर की तरफ रवाना होता है और फिर आकर अपना लिबास तब्दील करता है, बच्चों के साथ बैठता है, हंसी मजाक करता है, खाना पीना खाता है और घर ही में ईशा फौत हो जाती है और फिर रात 1 बजे 2 बजे सोता है और फिर सुबह 10 बजे उठता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब आप ये बताइए कि सुबह से शाम की जिंदगी में कौन सा काम उसने किया जिससे इस्लाम का पहलू नजर आता हो, कौन सा काम उसने रूह की परवरिश के लिए किया, कौन सा काम उसने मुसलमान होने का तकाजा पूरा होने के लिए किया है। इसका मतलब यह है कि ये मजहब इस्लाम हमारी निगाह में कोई अहमियत नहीं रखता, हमें ये पसंद नहीं है, इसलिए कि अगर किसी एक बात को हम नजरअंदाज किए होते तो हम छोड़ देते, किसी एक शायर इस्लाम को हमने छोड़ा होता तो हम नजरअंदाज कर देते, किसी एक फराइज में तुमसे कोताही हो गई तो
तो हम नजर अंदाज कर देते। शायर कहता है, सिर्फ रोजे महशर ही का एक शोर हो तो भूलो उसको, रोजे महशर ही का एक शोर हो तो भूलो उसको, रह रह के बातों का दिल में ख्याल आता है। यानी कोई एक बात नहीं, कोई एक फरीजा नहीं, कोई एक जिम्मेदारी नहीं जो आज मुसलमानों ने नजरअंदाज की हो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर हम जिस्म और रूह से मुरक्कब हैं, तो इंसाफ का तकाजा ये था कि जितना हम जिस्म की परवरिश की खातिर मर मिट रहे हैं, जितना हम जिस्म की परवरिश की खातिर सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, उतना ही हम इस रूह पर मेहनत करने के लिए भी कुर्बानियां देते। बल्कि ये कहा जाए कि रूह की ही मेहनत असल है, मुसलमान होने का ही तकाजा पूरा करना ही असल है। इसलिए कि जिस्म की परवरिश का मेहनत का नतीजा आखिर एक दिन फना होना है, और रूह की मेहनत का नतीजा यह होगा कि उसे दायमी जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी में खुशियां मिलेगी, नेमतें मिलेगी, अल्लाह ताला उससे राजी होंगे। तो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि जितना हम जिस्म की परवरिश की खातिर मेहनत करें, उतना ही हम अपने रूह की परवरिश की मेहनत करें। अब ये सवाल कि जिस्म की परवरिश क्या है और रूह की परवरिश क्या है, यानी इंसान होने का तकाजा क्या है और मुसलमान होने का तकाजा क्या है। जिस्म की परवरिश तो हम आप जानते ही हैं कि ये जिस्म खाने पीने का मोहताज है, पहनने का मोहताज है, आरामदेह बिस्तर का मोहताज है, तो इसे उमदा से उमदा खाना चाहिए, उमदा से उमदा कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे से अच्छे ओहदे और मनसब इसे चाहिए, अच्छे से अच्छा माशरा और माहौल इसे चाहिए। गोया जिस्म की परवरिश ये है कि इंसान वो तमाम असबाब वसाइल मुहैया करे जिससे उसके जिस्म को राहत मिले, उसके जिस्म को आसाइश और राहत नसीब हो। ये सारी जिस्म की परवरिश के तकाजे हैं। और रूह की परवरिश का तकाजा कि इंसान अपनी मर्जियात को छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की मर्जियात पर चले, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, उसको राजी करे, उसके अहकाम पर मर मिट कर उसको राजी करने की कोशिश करे। लेकिन हो ये रहा है कि आज मुसलमान सारी की सारी मेहनत अपने जिस्म ही की परवरिश की खातिर सिर्फ कर रहा है। जितने असफार इसके हो रहे हैं, जितनी तकलीफें और सौगतें ये झेल रहा है, जितने हादसात ये अपने अंदर हजम कर जा रहा है, जितनी परेशानियां और दुख दर्द ये सह रहा है, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ जिस्म की परवरिश की खातिर है। आज इसी जिस्म की परवरिश की खातिर कोई अपने आयजा व अकरबा की जुदाई को बर्दाश्त कर रहा है, कोई बाल बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त कर रहा है, कोई माँ बाप की जुदाई को बर्दाश्त कर रहा है, और ये सब सौगतें बर्दाश्त करके एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, साल हर साल के लिए कोई अरब जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई किसी मुल्क जा रहा है। ये सारी मेहनतें, ये सारी कुल्फतें, सारी परेशानियां जो इंसान आज सह रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म की परवरिश की खातिर। और रूह की परवरिश का
आलम ये है कि अगर नमाज फजर के लिए उसे आना पड़े तो ये इंतहाई दुश्वार है। इससे ज्यादा परेशानी उसके सामने अब तक कोई नहीं आई जिसे वो हजम कर सके, इससे ज्यादा दुख दर्द किसी चीज में उसे नहीं पहुंचा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम किस हिसाब से अब मुसलमान बाकी हैं? ये वही हुआ, या तो इसलिए हम मुसलमान हैं कि मुसलमान इलाके में रहते हैं, मुसलमान माशरे में रहते हैं, और या तो इसलिए हम मुसलमान हैं कि हमारे आबा और अजदाद मुसलमान थे, मुसलमान घराने में पैदा हुए। इससे ज्यादा हमारे अंदर इस्लाम की और मुसलमान होने की कोई अलामत नहीं है। हमने अपनी सुबह शाम को बदल डाला, अपने अखलाक को बदल डाला, अपनी तहजीब को बदल डाला, क्या छोड़ा? इसलिए, और हम ये सब कुछ इसलिए किए हैं कि अपने जिस्म की आसाइश हासिल हो सके, ये सब इसलिए किए हैं कि हम दुनिया में तरक्की कर सके। अपने दीन को इसलिए छोड़ा, दूसरी कौमों की तरफ जिंदगी को इसलिए तैयार किया कि हमें कामयाब मर्द बन जाए, एक कामयाब खानदान के लोग कहलाने लगे। कुरान करीम का साफ ऐलान है, वलन तरज़ा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। तुम लाख अपनी शक्लें बदल डालो, लाख अपने मजहब को तब्दील कर दो, लाख अपने अखलाक को बदल डालो, और ये समझो कि ये कौम यहूद और नसारा तुमसे राजी हो जाए, कयामत की सुबह तक तुमसे राजी होने वाले नहीं है। और जब वो राजी नहीं होंगे, तुम्हारा पीछा करना वो नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे मजहब को मिटाना नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें कभी एहसास नहीं होता। आज दुनिया की हर कौम अपनी कौम परस्ती में मुब्तला है, हर कौम अपनी कौम परस्ती में मुब्तला है, हर कौम ये चाहती है कि मुसलमान हमारी कौम का बन जाए, यहूद चाहते हैं हमारी कौम का बन जाए, नसारा चाहते हैं हमारे हमशक्ल हो जाए। लेकिन एक मुसलमान कौम है जिसे अपने मजहब से कोई प्यार नहीं है, जिसे अपनी दौलती दीन से कोई प्यार नहीं है, इसके अंदर कभी अपनाइयत का जज्बा अंगड़ाई नहीं लेता कि अगर उन्हें अपना दीन प्यार है, काश मेरा भी तो कोई दीन है, मेरा भी तो कोई मजहब है। आज जिस तरह दूसरी कौमें हमारे इस्लाम को मिटाने के दर पर है, दूसरी कौमें हमारी तालीम को मिटाने के दर पर है, हम बराबर अपनी तालीम को छोड़कर उनका साथ दे रहे हैं, हम अपनी तालीम को मिटाने में उनका साथ दे रहे हैं, अपने नबी के लाए हुए दीन को मस्ख कर देने में हम उनके साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए शायर ने बड़े अफसोस से कहा है, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमें अपने अंदर एहसास पैदा करने की जरूरत है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, जो दीन हमको अल्लाह ने दिया है और जो नबी हमको दिया है वो कितना कीमती है, इसका अंदाजा हमें उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम अपने दीन पर मर मिटने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम अपने दीन पर चलने के लिए कदम नहीं उठाएंगे। जब तक आदमी किसी काम को करने का इरादा नहीं करता, उसको नहीं मालूम होता कि इस राह में कितनी दुश्वारियां हैं, इस राह में कितनी आसानियां हैं, इस राह में कितनी जिम्मेदारियां हैं, उससे कुछ पता नहीं होगा।
आज हमारा यही हाल है। आज हम जो सरेआम अपने मजहब की तालीम को छोड़ रहे हैं, अपने दीन का आज हमें जो कोई पास और लिहाज नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमें अपने दीन से प्यार नहीं रहा, हमें अपने मजहब का पास और लिहाज नहीं रहा, अपने लाए हुए अपने नबी के लाए हुए दीन का कोई हमारे दिल में एक तसव्वुर नहीं रहा, कोई तड़प हमारे अंदर नहीं रही। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये दीन अगर हमें अपने आबा और अजदाद से मीरास में मिल गया, अगर हम अपने आबा और अजदाद से मीरास की शक्ल में मुसलमानियत को पा गए, दीन इस्लाम को पा गए, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये दीन मुफ्त में मिला। जिस तरह घर बैठे हुए हमें ये दीन और मजहब मिल गया, बगैर कुर्बानियां दिए हुए, बगैर मशक्कत उठाए हुए, ये दीन हर एक को इसी तरह नहीं मिला। सहाबा इकराम की जिंदगियां देखो, उनकी जिंदगियों की तारीख का मुताला करो, वो एक अलग बहस है, लेकिन इतना हमें सोचना चाहिए, इतना एहसास अपने दिल में पैदा करना चाहिए कि क्या ये दीन इतना ही कम औकात था। अगर इतना ही कम औकात था तो आज सारी दुनिया की कौमें, सारी दुनिया के मजाहिब के लोग हमारे ही पीछे क्यों पड़ते। आज मुसलमानों पर जुल्म और सितम की जो दास्तान रची जा रही है, कोई गोशा ऐसा नहीं जिस गोशे से इन पर जुल्म और सितम ना किया गया हो, लेकिन इसके बावजूद आज कौम मुस्लिम का यह हाल है कि वो गफलत से बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज अगर इस मजहब इस्लाम का यकीनन कोई जिस्म होता तो आप उसे देख लेते कि हमने अपने हाथ से, अपने पैर से उसे कितना जख्मी किया है, हमने उसे कितना रोदा है। यूं ही नहीं ये हालात आए हैं, यूं ही नहीं ये मसायब आलाम के पहाड़ हम पर तोड़े जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और दुनिया वाले हमें मुसलमान समझकर हम पर जुल्म और सितम की दास्तान दोहरा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम मुसलमान नहीं हैं, इसलिए हम पर जुल्म और सितम की दास्तान दुनिया में दर्शाई जा रही है और कल आखिरत में भी हम पर जुल्म और सितम की दास्तान इसीलिए बिखेरी जाएगी कि हम दुनिया में मुसलमान नहीं थे। तो दुनिया में इसलिए हम पर जुल्म और सितम हो रहा है कि हम मुसलमान हैं, आखिरत में जुल्म और सितम इसलिए होगा कि हम मुसलमान नहीं थे। अगर हकीकत में हम मुसलमान होते, अपने असलाफ की तारीख को पढ़ लो, किसी की मजाल नहीं थी आंख उठाकर देखने की। शायर ने कहा है, तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपा करते थे, तेरा नाम सुनकर कौम की कौम थर्राया करती थी। आज हमारा वजूद इनके दरमियान है, हम पूरी पूरी खानदान के साथ इनके दरमियान है, लेकिन मजाल है कि कोई बच्चा भी हमसे मरहूब हो, हम सबसे मरहूब हैं। कोई कौम हमसे डरती हो, हम सबसे डरते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात का नतीजा है कि हमने अपनी जिम्मेदारियां अपने सरों से हटा दी, हमने सिर्फ और सिर्फ जिस्म की परवरिश की मेहनत की, रूह की परवरिश को हम रूह की परवरिश का हमारे दिल में तसव्वुर तक नहीं आता। आखिर ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी अकलमंदी है, ये कैसी दानिश्वरी है। और अगर कोई आपको बेवकूफ कह दे,
बद्दुआ कह दे तो आपको कितना गुस्सा आएगा कि उसका कोई आलम और कोई ठिकाना नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि हम अपनी रूह को संवारने की मेहनत करें। अल्लाह ताला ने हमारी इम्तियाजी सिफत जो कुरान करीम में बयान फरमाई, फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जिस तरह हमें अपनी जिस्म की परवरिश की मेहनत की जरूरत है, हमें अपने दूसरे इंसानों की भी जिस्म की परवरिश की मेहनत का हुक्म है। हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमारे जिम्मे शरीयत ने अपने अहल वयाल का खर्च लाजिम किया, अपने रिश्तेदारों के अखराजात हम पर लाजिम किए। अल्लाह ताला ने मालदार बनाया तो उन पर ज़कात और सदकात को निकालना वाजिब किया कि इसके जरिए अपने गुरबा और मसाकीन की परवरिश का इंतजाम करो और साथ ही साथ अपनी रूह की मेहनत की परवरिश की तरह अपने दूसरे भाइयों की रूह की परवरिश की भी मेहनत की जिम्मेदारी हम पर है। इसलिए तो फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उख्रियत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। यूं ही नहीं पैदा किए गए हो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि सुबह से शाम तक जिस्म की परवरिश की मेहनत का इंतजाम करो और रात खा पी कर सो जाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने दूसरे मुसलमान भाई की रूह की परवरिश की फिक्र करना। लेकिन हाल ये है कि हमें दूसरों की रूह की तरबियत की परवरिश की फिक्र तो क्या, हमें अपनी ही रूह की कोई परवाह नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म की परवरिश का ख्याल रहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जानवर के बराबर की जिंदगी है। जानवर भी सिर्फ खाता है और पखाना करता है। हमारी भी जिंदगी अगर यही है तो हमारे और जानवरों में अब क्या इम्तियाज रहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारियां इतनी है कि उन्हें गिनाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना है कि उसे कितना शुमार कराया जाए, किन किन जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाए। अब हम आप गौर करें, इतने बड़े मोहल्ले में मुसलमान इलाका है, हमारा भी आपका भी, न जाने कितनी आबादियां हैं, उनमें एक दो मस्जिदें हैं। इन मस्जिदों की कभी 100-200 पूरी नहीं हुआ करती। इन मस्जिदों के अखराजात के लिए हमें अल्लाह के घर में बैठकर दूसरों के सामने झोलियां फैलाना पड़ता है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी थी? नमाज हम पढ़ने आते हैं, मस्जिद का इमाम हमारी नमाजों की सेहत की खातिर रखा गया है, मस्जिद का मुअज्जिन वक्त पर इत्तला देने के लिए हमारे लिए रखा गया है। आज इन्हीं इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहों की खातिर हमें अल्लाह के घर में बैठकर आपके सामने झोलियां फैलाना पड़ता है। हमारी बेगैरती की ये इंतहा हो चुकी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया तो आज हमें इस एक इमाम की खातिर 10-12 हजार तनख्वाहों की खातिर इस भरे आबाद मोहल्ले में इसकी इमाम की तनख्वाहों की खातिर चंदा करना पड़ता है। मैं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए आपको कहता हूं, आप अपनी बेगैरती की इंतहा को सोचिए। ये मदारिस किस कौम के बच्चों की तरबियत के लिए बनाए गए हैं?
हमारी ही कौम के बच्चों की तरबियत के लिए, इनमें पढ़ाने वाले हमारे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे गए हैं, इनके अखराजात को बर्दाश्त करना हमारी अपनी जिम्मेदारी थी कि इनके खाने पीने का हम इंतजाम करते, इनकी हर जरूरत का इंतजाम करते। लेकिन सूरत हाल क्या है वो आपको मालूम है। बस इतना ही नहीं कि हमें आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद की तनख्वाहों का इंतजाम करने के लिए आपसे चलना ही नहीं करना पड़ता, आपके पास हमें दौड़ लगानी पड़ती है, आपके टाइम की हमें इंतजार करना पड़ता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारी जिम्मेदारियां थी लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया, इसलिए आज हमें दीन का इल्म आपके बच्चों को सिखाने की खातिर हमें दर दर की भीख मांगना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब हमारी बेगैरती की ये इंतहा हो चुकी है और हम अपने जिम्मेदारियों को इस कदर भुला बैठे हैं, तो ये हालात नहीं आएंगे, ये मसायब व आलाम नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमें अपने आप को बहुत संभालने की जरूरत है, हमें अपने आप को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है, अपने आप को दीन से जोड़ने की जरूरत है। वरना याद रखो, अल्लाह का ये दीन हमारा आपका मोहताज नहीं है, ना ही अल्लाह ताला हम इंसानों के मोहताज है, ना ही उनका दीन हमारा मोहताज है। अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला, हमने अपने आप को इस दीन पर नहीं ढाला, इस दीन पर अमल करने की इसी तरह बेपरवाहियां करते रहे, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है कि तुम सारी जिंदगियां दूसरी कौम के तर्ज पर गुजारने की मेहनत करो और अल्लाह ताला तुम्हें मुसलमान बनाकर मारे, अल्लाह ताला को कुछ नहीं पड़ी है। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपनी आखिरत बनाना चाहते हो, अल्लाह के इस दीन की कदर कर लो, अपने आप को संभालो, अपनी इस आलम रुसवाई से इबादत हासिल कर लो, वरना अल्लाह का ये दीन न हमारा मोहताज है न किसी और का मोहताज है। और अल्लाह ताला का साफ ऐलान है, अगर नहीं सुधरे, नहीं बाज आए, तुम्हारी जरूरत नहीं है इस दुनिया में रहने की, तुम्हें हलाक और तबाह बर्बाद करके पैदा करेंगे जो तुम्हारी जैसी नहीं होगी। وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ। और ये बगैर मेहनत किए, बगैर मशक्कत के ये दीन हमारी जिंदगी में आने वाला नहीं है। जब एक लुकमा बगैर मेहनत के मुंह में नहीं जा सकता, क्या अल्लाह का ये दीन ही इतनी कम औकात रह गया था कि बगैर वक्त लगाए, बगैर इसके लिए मेहनत किए, बगैर इसके लिए सफर किए, ये दीन हमारी जिंदगी में आ जाए? उसे कोई जरूरत नहीं है हमारी जिंदगी में आने की। जब तक हमारी अपनी कोशिश नहीं होगी, हमारी अपनी कुर्बानियां उसके पीछे नहीं होगी, अल्लाह ताला का ऐलान है, इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक तुम्हारे अंदर खुद फिक्र नहीं होगी, तुम खुद कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, कोशिशें नहीं करोगे, कुर्बानियां नहीं दोगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी जिंदगियों को बदलने की और तुम्हारी जिंदगी के निजाम को संवारने की। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।